कैसी है अभी? नहीं पापा। विक्की, ये सब हुआ कैसे? अखबार पढ़ने की आदत छूट गई पापा? नहीं बेटे। क्या सोचा है? आप ही सोचते हैं। सुनो, बहू को घर ले चलो, उसे अभी यहीं रहना है। ठीक है, खबर कर देना, गाड़ी भेज दूंगा। आरती वहां नहीं जाएगी पापा, हमारा घर है। विक्की, बेटे अभी तक नाराज हो मुझसे? तय कर लिया है, कभी वापस नहीं आओगे? लो बेटे, ये रख लो। जरूरत होगी मांग लूंगा। महीनों बाद देख रहा हूं तुम्हें। एनीवे, मुझे नाज है तुम पर। आई एम प्राउड ऑफ यू। जो होना था वो हो चुका डॉक्टर। पुलिस स्टेशन, कोर्ट, कानून, अब ये सब झंझट में पड़कर होगा क्या? और वो लोग। डॉक्टर, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इस तरह? विकास धीरज रखो, कानून को अपना काम करने। कानून पता नहीं कानून हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकेगा, आरती को कैसे समझा सकेगा, पता नहीं कैसे। डॉक्टर साहब कह रहे थे कुछ ही दिनों में तुम घर चल सकोगी। देखना, सब ठीक हो जाएगा। आरती, ऐसा नहीं करते बेटा। याद है जब तेरे बाबूजी नहीं रहे थे तब तू ही मेरे लिए बेटा बनी थी, नहीं तो मैं क्या अकेले ये सब संभाल सकती थी? हाँ, और अब तू ही इस तरह। मैं तुझे नहीं जानती। विकास की तरफ देख, तू भी सब जान जाएगी। बेटा, तू तो कुछ खा ही नहीं रही है। ले, खा ले, चल खा लो ना दीदी। नहीं तो ताकत कैसे आएगी, स्ट्रेंथ? पी ले अबे डाल डाल अबे मच्छर ले और पी आप पी ये ले ठीक है यार ठीक है बिल्कुल ठीक है ब्रदर माल का क्या है इधर से आता है उधर को जाता है अबे दस दिन हुआ मारे फिर गुस्सुर ब्रदर अंदर तो अपना घर है बाहर तो हम कभी कभी तुम लोगों से मिलने के लिए चला आता है। अबे ओ, तेरी अम्मा मर गई है क्या? साला सोचता है यार। साला सोचता है देखो साला सोचता है। तू लीडर है क्या? गड़बड़ होता है चोरी चकारी आर पार सब। हम किसी भला मानुष को तंग करना किसको बात कर रहे हैं? वो देखना कोई भला आदमी की बीवी को उठा के सत्यानाश कर दिया है। तू बोलना कौन किया होगा साला? अरे ब्रदर जो किया सो मजा लिया, तेरी घरवाली तो नहीं। जान तो बात है साला हमारे अड्डे पे उस्ताद से दादागिरी करते हैं। साला खूब टिकड़ूं आला दादागिरी करायला तेरे कितने चल जा घरी जा जाऊं धूप बैठो बैठो इनमें से किसी को आप पहचानती हैं? देखिए 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 बाबू आप हैं। मैं समझा कोई चोर वोर होगा। बड़े अखबार खरीद लाए हैं साहब। अरे कुछ उदास नजर आ रहे हैं आप। परसों इलेक्शन है, किसे वोट दे रहे हैं? देश में किसी की इज्जत महफूज नहीं। आप अपने ही इलाके के विकास चंद्र की बात ही लीजिए, उनकी पत्नी की इज्जत पर सरेआम 4 आदमियों ने हमला किया। क्या उनकी इज्जत आज वापस लौटाई जा सकती है? नहीं, मगर इस गुंडागर्दी को जड़ से खत्म किया जा सकता है और ये सेवा हम करेंगे। घर तो बड़ा साफ सुथरा लग रहा है। बैठो। लगता है बरसों बाद घर आई हूँ। चाय लोगी? बहुत चुप लगते हो। आप कैसी हो? ठीक हूँ। अरे तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। एकदम ठंडी हो गई ना? बात नहीं करोगे? तुम आराम करो। जो कहना चाहती हूँ साफ साफ क्यों नहीं कहते? सुनकर चली जाऊंगी मैं। कह क्यों नहीं देते कि मैं झूठी हो गई हूँ? तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। तुम बोल रहा हूँ क्या?